हेलो फ्रेंड्स, संजू जी ने एक कमेंट किया है जिसमें वो पूछते हैं कि 1.5 टन के एसी के लिए क्या 3 kVA का स्टेबलाइजर काफ़ी है। तो जितने भी लोग हैं जो 1.5 टन का एसी यूज़ करते हैं उनको बताना चाहूँगा कि 3 kVA का स्टेबलाइजर काफ़ी होता है, लेकिन स्टेबलाइजर और इन्वर्टर के केस में हम हमेशा एक्स्ट्रा या फिर अलाउंस लेके चलते हैं, यानी कि हमें 1.5 टन के एसी के लिए 4 kVA का स्टेबलाइजर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लोड का कोई पता नहीं होता है कब लोड ज़्यादा हो जाए। और अगर मैं बात करूँ संजू जी की, तो संजू जी ने किया है कमेंट नॉन इन्वर्टर एसी के लिए, तो उसके लिए तो आपको 4 kVA का स्टेबलाइजर ही यूज़ करना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी स्टेबलाइजर लेने की सोचे, 1.5 टन एसी के लिए 4 kVA का और 2 टन एसी के लिए 5 kVA का। ऐसी ही यूजफुल टिप्स वाली वीडियोस के लिए एमब्लॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।